कई दिनों कई महीनों और पिछले कम से कम 4-5 साल से जिस खतरे का बार बार जिक्र होता रहा वो अभी भी बरकरार है। मैनचेस्टर से मेलबर्न, दुबई से कैंडी तक भारतीय टीम फिर उसी परेशानी से जूझती दिखी जिसे कई बार कमजोरी मानने से इनकार किया जा चुका है, मगर जीत आखिर जीत होती है और अगर जीत 10 विकेट की हो तो क्या कहने, सोने पर सुहागा ही कहा जाएगा, चाहे सामने वाली टीम कितनी ही छोटी क्यों ना हो। और इसी जीत के साथ एशिया कप में सुपर फोर की टीमें तय हो गई हैं। ग्रुप ए से पाकिस्तान के बाद भारतीय टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया है। बता दें, बार बार हर बार बारिश की बाधा, लेकिन जहां पहले मैच में पाकिस्तान बच निकला वहीं आज की बारिश नेपाल को नहीं बचा पाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार आमना सामना हुआ। रोहित और शुभमन की ताबड़तोड़ 147 रनों की पार्टनरशिप जो सिर्फ 20 ओवरों में आया। इसके साथ ही दोनों ओपनरों ने मैच को अपने नाम कर लिया। 147 रनों की पार्टनरशिप में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार अंदाज में 50 जमाई। उन्होंने मैच में 59 गेंदों पर नाबाद 74 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल भी 62 गेंदों पर 67 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की टीम 48.2 ओवर में 230 रनों पर सिमट गई। नेपाल के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज आसिफ शेख ने सबसे ज्यादा रन बनाए। आसिफ शेख ने 97 गेंदों पर 58 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके जड़े। सोमपाल कामी ने 56 गेंदों पर तेज 48 रन बनाए। कुशल भुटेल ने 25 गेंदों पर 38 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा नेपाल के ज्यादातर बल्लेबाजों ने निराश किया। भारत के लिए रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट झटके। इसके अलावा मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। लेकिन इस जीत के बावजूद टीम इंडिया पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वजह यह है कि अगर ये टीम बड़ी टीम होती तो क्या होता। मसलन अय्यर और कोहली की फील्डिंग, इन दोनों ने मैच की शुरुआत में ही नेपाल के ओपनरों का कैच छोड़ दिया। बाद इसके ईशान किशन ने मैच के 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर कैच टपकाया। इसके साथ रोहित और गिल ने शानदार बैटिंग तो की, लेकिन नेपाल जैसी छोटी टीम के खिलाफ, मगर जैसे ही स्विंग और गति के साथ वाले गेंदबाज आते हैं ये बड़े नाम संघर्ष करते नजर आते हैं। साथ ही टीम की सबसे इम्पोर्टेंट स्पिनर कुलदीप का विकेट न ले पाना कोच और कप्तान के लिए परेशानी का सबब है।